तो अभी मुझे एक जगह रास्ते में चेक पॉइंट पे रोक लिया। चलो टेक केयर, बाय बाय भाई, आई एम रिड ऑफ यू फाइनली। चलो बाय, आई सी यू इन दिल्ली। ठीक है, कूल। चलो जी, गुड बाय है टू पोखरा, अपना नेपाल में आखिरी दिन, आखिरी सुबह, शाम तो इंडिया में होगी। अभी टाइम हो रहा है 8:19, काफ़ी फॉगी वेदर हो रहा है आज। आज मैंने पहली बार लेक के ऊपर भी काफ़ी सारे क्लाउड्स देखे थे सुबह सुबह। टेम्परेचर अभी 11 डिग्री हो रहा है, लेकिन मुझे वो 11 डिग्री वाली ठंड लग नहीं रही है। एक तो गाड़ी के अंदर भी हूँ, लेकिन सुबह जब उठा था बाहर तब भी उतनी ठंड लग नहीं रही थी। चलो जी, पोखरा का बॉर्डर हमने कर दिया है क्रॉस, अब हाईवे का रास्ता हो गया शुरू। अभी देख तो सारा ऐसे फॉगी है। यूजली क्या होता है कि किसी जगह पर जब मैं बहुत ज़्यादा दिन रहता हूँ ना, तो उस जगह से और ज़्यादा वो अटैचमेंट हो जाती है। एंड देन राजू और मैं साथ में आए थे, तो नाउ आई एम गोइंग बैक अलोन एंड ही स्टेइंग हियर। बट मैंने वो डिफरेंस सीख लिया बिटवीन एन अटैचमेंट एंड अ कनेक्शन, कि कनेक्शन बनाओ लेकिन डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग। सो आई एम हैप्पी टू गो बैक राइट नाउ, क्योंकि इतने ही दिन लिखे थे यहाँ पे नेपाल में। अरे यार, मेरे एक दोस्त ने मुझे नेपाली टोपी लाने के लिए बोला था। निखिल, सॉरी भाई मैं भूल गया, लेकिन अभी भी स्टिल नेपाल की बाउंड्री के अंदर हूँ, तो देखता हूँ रास्ते में मिल जाती है तो लेके आऊँगा पक्का। आई फील लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन डे ड्राइविंग अलोन। बहुत टाइम बाद मैं अकेले ड्राइव करूँगा ऐसे इतना लंबा। तो आज का अपना डेस्टिनेशन रहेगा वाराणसी। फाइनली मैं वाराणसी जाऊँगा। यहाँ से था पोखरा से 508 किलोमीटर, मैप्स बता रहा था 13 घंटे। तो 8 बजे मैं निकला हूँ, तो 9 बजे तक का टाइम है एज पर मैप्स, रुकते हुए शूट करते हुए। देखो कब पहुँचता हूँ, 11, 12, 1 बजे, बट पहुँचना है आज वाराणसी। तो धूप आ गया फाइनली। मैं रास्ते में एक जगह मैंने ये व्यू देखा, बादल नीचे, क्या सही लग रहा है यार। ऐसे मुझे बहुत सही लगता है गांवों के बीच में से बादल, पीछे पहाड़। खैर, किसको सही नहीं लगता। मैंने सोचा विंडो नीचे करके गाड़ी चला लेता हूँ, अब तो खुल गया वेदर, लेकिन अभी भी 12 डिग्री है, तो धूप डायरेक्टली पड़ नहीं रही है। बीच बीच में ऐसे शेड आ जाता है तो हवा लगती है, तो ठंडा लग रहा है कान पे। ज़्यादा ही फॉगी हो रहा है। डबल इंडिकेटर्स और हेडलाइट जला दी गई है अपनी सुरक्षा के लिए। हेलो टू यू एज वेल। आंटी, आपके पास नेपाली टोपी होगी? टोपी। सो आई एम कॉलिंग निखिल टू चेक, पता नहीं फोन उठाएगा या नहीं। कलर्स पूछने के लिए इसमें से कि कौन सा कलर चाहिए, तो ले ली भाई मैंने टोपी उसके लिए, यही कलर मुझे सही लगा। ओहो वेज जॉकी, लालच आ रहा है देख के तुझे बहुत खाने का। टाइम फॉर अ चाय ब्रेक, थैंक यू। सो टाइम फॉर सम रीफ्यूलिंग। अभी तो मैं यहाँ से 1000 के डलवा रहा हूँ, वहाँ के देखता हूँ फिर। और ₹1000 में डाला है यहाँ पे सिर्फ 5.6 लीटर। एक तो करेंसी कन्वर्जन, ऊपर से डीजल महंगा। तो इस ट्रिप पे गाड़ी चल गई है 1879 किलोमीटर्स एंड माइलेज दिया अभी तक टोटल लाइक 19.8 दिखा रहा है। सो वाराणसी अभी बता रहा है मुझे 10.5 घंटे का रास्ता यहाँ से 440 किलोमीटर्स। इसका मतलब मैं अभी तक 3 घंटे में आया हूँ सिर्फ 48 किलोमीटर्स 8:30 बजे से निकल के।
विच इज़ वेरी बैड, मैं कुछ ज़्यादा ही स्लो जा रहा हूँ। एक बार ही बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा ना, उसके बाद स्ट्रीट हाईवेज पे थोड़ा टाइम गेन कर लेंगे। रोड देखो यार, ये अब ये रोड ऐसी होएगी तो बंदा कैसे चलाएगा तेज। लुक एट दैट ब्रिज, जस्ट लुक एट दैट। अब यार ऐसा ब्रिज तो कितना भी टाइम कम हो या जल्दी भागना हो मिस नहीं कर सकता मैं। मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ऐसे ब्रिजेस। वाओ 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 वाओ। पहली बार मुझे कैमरा ऐसे पकड़ के ना हवा में, डर लग रहा है क्योंकि मेरे राइट हैंड में लगी हुई है और दर्द हो रहा है, तो मेरा कि कहीं छूट ना जाए। छूटेगा तो नहीं, खैर। बहुत लंबा ब्रिज है यार, मैं तो उसके दूसरे एंड तक गया भी नहीं। मैं ये सोच रहा था यार, जब एवरेस्ट क्लाइम करते हैं और खुम्बू आइसफॉल होता है, वहाँ पे साइड में कोई सपोर्ट नहीं होती, हिलता रहता है, कभी भी गिर सकता है। क्या फीलिंग होती होगी यार उस टाइम पे, खतरनाक। तो मैं पहुंच गया हूँ रामदी, एंड यहाँ पे है काली गंडकी ब्रिज, एंड काली गंडकी नदी बह रही है नीचे। ये वही जगह है जब हम लोग तानसेन से पोखरा जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे रुके थे और इसी ढाबे पे रुक के खाया था। पूरा वैसे ही लग रही है जैसे गंगा बह के जाती है ऋषिकेश से। कुरकुरे का नेपाली भाई कुरमुरे। तो ये आ गई भाई थाली, इट्स लुकिंग सो यम। चलने में भी बहुत आलस आ रहे हैं यार मुझे। खाना जब थोड़ा और स्वादिष्ट होता है ना तो और सुस्ती सी आ जाती है। ओ स्लिपरी है यार तो काफ़ी, अभी हो जाता मेरा काम। गाड़ी क्या लग रही है यार, सही लग रहा है कि भाई ट्रैवल करके आए हैं। ये तो बढ़ता ही जा रहा है मेरा, अब बता रहा है 11:20 वाराणसी तक। अब मैं सोच रहा हूँ कि उतना लंबा मैं ड्राइव तो कर लूँगा बट सेफ रहेगा, क्योंकि भाई यूपी एंटर करेंगे तो शायद गोरखपुर रुक सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तक का टाइम दिखा रहा है 7 बजे का, या 8:30-9 बजे तक ड्राइव कर लूँगा आगे जितना, और अगर मुझे फील होगा कि सेफ है, नहीं तो आई विल फाइंड अ होटल एंड आई विल स्टॉप। ये देखो, लुक एट दिस। ये ना कभी कभी बहुत रेयरली ऐसे कैमरे में कैप्चर करने को मिलता है, वरना कैमरे में कैप्चर होता नहीं है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल वैली दिस इज। तो वो आ गया जी तानसेन, तानसेन का बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे ऊपर। तो अभी मुझे एक जगह रास्ते में चेक पॉइंट पे रोक लिया, वहाँ पे बोला कि आपके पास परमिट नहीं है। मैंने बोला ये रहा भंसार, बोले भंसार नहीं है, आपके पास परमिट नहीं है, रोड टैक्स का परमिट नहीं है। मैंने बोला रोड टैक्स कौन सा, 3-4 बारी मैं भंसार बनवा चुका हूँ, कहीं पे भी किसी ने भी नहीं बोला कि आपको ये रोड टैक्स भी पे करना है। और रोड टैक्स क्यों पे करना है, ये गाड़ी नेपाल रजिस्टर्ड तो है नहीं, इंडिया रजिस्टर्ड है, तो मैं कस्टम्स का टैक्स पे करूंगा ना यहाँ पे चलाने के लिए, और वो भी किसी ने बताया नहीं। बताया हो तो बनवा भी ले, पैसे दे भी दें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत देर तक बहसबाजी होती रही, मैंने उनको समझाया, पता नहीं 1610 रुपये कुछ बोल रहे थे। मेरे पास उतना कैश यहाँ का पड़ा भी नहीं था, ना इंडियन कैश पड़ा था। मैंने कहा सर यही पड़ा मेरे पास, ये ले लो, एंड देन दे वर लाइक कि चलो ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं है, मैंने उसके लिए रखे हुए थे कि एग्जिट करने से पहले मैं वो डलवा लूँगा और ये करेंसी को ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद कहते कि चलो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, आप रख लो पैसे पेट्रोल डलवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है यार, थैंक यू। बट द पॉइंट इज कि कुछ रोड टैक्स भी पे करने के लिए ये लोग बोल रहे थे, बट आई डोंट नो अब कि वो पे करना होता या नहीं करना होता, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट भी कितने सारे लोग भंसार बनवाने के लिए, किसी ने भी नहीं बनवाया और ना किसी ने बोला, ना ऑफिस में किसी ने बोला, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। मुझे पता नहीं क्या ये लीगल है या नहीं है, या वैसे ही पकड़ रहे थे तो अब
ठीक है, जो भी है। ये नदी ना मुझे वहाँ पे 1 किलोमीटर पहले कॉर्नर से छोटे से गैप से दिख गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी यार वहाँ से तो नीचे, तो मैंने कहा एक बार ही रुक ही जाते हैं, लेट्स गो। अच्छा हुआ गाड़ी धुलवाई नहीं, मैं सोच रहा था एक बार धुलवा लेता हूँ, पोखरा में फ़ायदा नहीं होता कोई। लो जी आ गए हम नीचे पहाड़ों से, अब प्लेन्स का रास्ता शुरू। सो ये रोड जा रहा है इस तरफ को लुम्बिनी, अपने को जाना है सीधा सनौली। प्लेन्स पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना, गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है। ऑलराइट जी, तो ये आ गया बॉर्डर, अब यहाँ पे पूरा काम वाम कर लेते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आगे। यहाँ तो भाई बहुत लंबी लाइन है, लुम्बिनी गेट खाली रहता है। इंडिया का बोर्ड दिख गया भाई, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है। भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैंने सिम तो चेंज किया नहीं अभी तक, मेरा नेपाल वाला सिम चल रहा है एनसेल का, अभी तक तो नेटवर्क आ रहा है, इंटरनेट भी मस्त चल रहा है। सीन ये है कि 5:15 हो गए हैं एंड ज़िंदगी के 15 मिनट वापस मिल गए हैं जो नेपाल जाते हुए खो दिए थे। 15 मिनट आगे चले गए थे हम लोग टाइम में। सो टाइम ट्रैवल बैक इन द पास्ट और द प्रेजेंट टाइम लाइन व्हाटएवर। एंड वाराणसी है यहाँ से अभी 305 किलोमीटर, एंड कितना 6 घंटे लग जाएंगे, 5 बज रहे हैं अभी, 12 भी बज जाएंगे अगर, तो देखते हैं। तो मेरा मन तो वही है कि सीधा वाराणसी जाके रुकने का, फिर कल आराम से सुबह उठ के वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बट रास्ता मैं सोच रहा था कि पता नहीं यार कैसा होगा, ऑनेस्टली लाइक इस रूट पे कभी ट्रैवल नहीं किया, बट हाईवे ही है। तो एक मैंने वो लखनऊ वाले फ्रेंड को मैसेज करके पूछा था, सो ही सेड कि इट्स फाइन, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और ये आ गया भाई पहला खर्चा, पहला टोल, और मेरा YouTube प्रीमियम भी नहीं चल रहा था नेपाल में, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी ना फ़ोन में गाने चलाते हुए और साथ में स्टोरी बनाते हुए। तो मैं अभी कैश निकालने गया था, यहाँ पे गली में ATM था, तो वहाँ पे वो हलवाई की दुकान थी, तो मैंने समोसा देखा, पूछा भैया गर्म है, बोले हाँ। मैंने कहा दे दो यार फिर एक तोड़े, बैठो। मैंने कहा दे दो ऐसे, आप कोई बात नहीं। कह रहे नहीं बैठो बैठो, मैं बैठा। उसके बाद उन्होंने ऐसे 2 समोसे छोले के साथ दे दिए, डिनर का मेरा काम हो गया। और कितने लिए? 3500 रुपये बस। हाँ जी, तो जिस जगह से मैंने ये नेपाल सीरीज़ की शुरुआत करी थी ना, वहीं पे मैंने सोचा इसके आखिरी व्लॉग एंड करते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी होटल बुक कर रखा था वहाँ पे, एंड 12 बज गए थे मुझे वो होटल तक पहुँचते। वहाँ पे मैं पहुँचा, रुका वहाँ पे रात में, लेकिन वो होटल का रूम इतना बकवास था ना, नॉट एट ऑल गुड एनर्जी इन दैट प्लेस। उसके बाद उसका वॉशरूम इतना गंदा था, आई हैड टू यूज़ द वॉशरूम एट ऑल, मैंने वहाँ पे वो वॉशरूम यूज़ भी नहीं किया। और उतनी रात में ना मेरे पास और दिमाग ख़राब करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वहाँ से निकलूँ कहीं और जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा ड्राइव हो चुका था। तो मैंने गाड़ी में से अपना बेडशीट निकाला, पिलो निकाला, वो बिछाया, उसके बाद मैं सो गया। और सोया भी क्या, रात को 1:30-2 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आई पहले, एंड देन सुबह भी मैं उठ गया जल्दी 7:30-8 बजे। वहाँ से निकला 8:30-9 बजे के आसपास, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि अब होटल स्विच करता हूँ, वो जो कि करना ही था, एंड देखता हूँ कुछ जो घाट के पास हो कहीं पे। तो 9 बजे से 1:30 बजे तक ना 4 घंटे मैं वहाँ पे बस घूमता ही रहा,
इतना बुरा ट्रैफिक, साइकिल्स, बाइक्स बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, गाड़ी से ज़्यादा। एक जगह मैं एक घंटे तक फंसा भी रहा, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कुछ काम चल रहा था या फिर फाटक था उससे पहले। तो मैं कहीं पे भी जा रहा था, या तो मुझे कोई होटल ऐसा मिल नहीं रहा था जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, कोई मिल रहा था तो वहाँ पे पार्किंग फुल थी। फिर मैंने घाट के पास जो पब्लिक पार्किंग थी वहाँ पे भी ट्राई किया, वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, पार्किंग फुल क्रिसमस की वजह से, इतनी भीड़ वहाँ पे। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार रोड पे चलता जाता हूँ, थोड़ा दूर जाता हूँ, जो होटल मुझे मिलेगा ना, सस्ता महंगा जो भी हो, वहाँ पे मैं वो होटल लेके रुक जाऊँगा। लेकिन वो भी प्लान काम नहीं आया, क्योंकि वो होटल जो मैं देख रहा था वो या तो बहुत ज़्यादा आए थे 4-4.5 हज़ार, या फिर जो होटल मुझे मिल रहे थे उनके पास भी कुछ यू नो पार्किंग में कुछ अवेलेबल था नहीं। तो मैंने वही डिसाइड किया था कि एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं रुक जाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया वहाँ पे। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार इतना सर मार के मैं फिर अच्छे से ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँगा, अच्छे से घूम नहीं पाऊँगा, वो जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। देन आई डिसाइडेड टू जस्ट लीव वाराणसी। तो 2-2.5 बजे मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं, तो फिर मैं वहाँ से निकल ही गया। उस टाइम पे मेरे मूड था कि एक ही स्ट्रेच पे दिल्ली पहुंच जाता हूँ, लेकिन तब तक 3:30 बज चुके थे। फिर मैंने कहा यार पहुंच तो मैं जाऊँगा, लेकिन अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा यू नो टॉर्चर करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो आई डिसाइडेड कि लखनऊ में ओवरनाइट हॉल्ट ले लेता हूँ। तो मैं लखनऊ पहुँचा, वहाँ पर रात को रुका और मैंने हाईवे के साइड में बिल्कुल होटल ले लिया था और आज सुबह वहाँ से निकला। एंड फिलहाल के लिए यहाँ से चलते हैं, क्रिसमस है आज और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। मिसिंग कबीर, घर जाने का वो अच्छा फीलिंग, घर का खाना खाना, तो लेट्स गो। आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आया हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड बहुत सारी मैंने इसमें कोशिश करी है ऐसे इन्फॉर्मेशन देने की, एंड अभी और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा विच विल बी लाइक ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल, जो कि मुझे शायद बहुत पहले वो बनानी शुरू कर देनी चाहिए थी, बट देन बेटर लेट देन नेवर, यू नो। यही खोल रहे दरवाजा, ये तो बड़ा हो गया, ऐसे देख रहा अपने आप को। नहीं ये तो मेरी जैकेट है, चलो अंदर चलो। ओ वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओ स्विंग भी लगा दिया आपको यहाँ पे नानू ने, बड़ी है ना ये तो। ठीक है, खोल के क्या अंदर क्या देखोगे, वही तो है। ओए चेंज चाहिए।